लिमिट आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप जेड एंटर ए एंटर करो जूम ऑल स्क्रीन के लिए, जेड एंटर ए एंटर। अब आपको कमांड लगाने, इसका नाम है डीएस ड्राफ्टिंग, डीएस लिखोगे ड्राफ्टिंग सेटिंग बोल दे इसको। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा स्नैप एंड ग्रिड, इसमें देखो स्नैप की स्पेसिंग अगर हमको चेंज नहीं करनी है, हमको जाना है स्नैप टाइप, दिख रहा है नीचे ऑप्शन स्नैप टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ। वैसे ये ऑप्शन कमांड से होता है, वैसे ऑप्शन कमांड हमको यूज नहीं करना, हमको जाना है स्नैप एंड ग्रिड, इसके अंदर आपको लेना है आइसोमेट्रिक ग्रिड। ओके कर दोगे ग्रिड चेंज होगी ऑटोमेटिक, देखो फिर से होगी ग्रिड, और आपका जो ये ग्रिड चलेगी ना इसमें आप 3D के टाइप दिखेगा ऑब्जेक्ट कोई भी बनाओगे तो। इसमें है ना क्या करना है कि आपको जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसमें F8 ऑन करना पड़ेगा, F8 ऑन से ये चलेगा सारा काम। F8 दबाया ऑन, डिफॉल्ट के लिए ऑन कर देता हूँ। अब लाइन कमांड का यूज करूंगा, अब लाइन या तो ऐसे चलेगी, अगर आपको एक इधर अंदर डालनी है, अंदर चलानी है तो F5 दबाओगे, F5 से ये डायरेक्शन चेंज करता है, इसको बोलते हैं आइसोप्लैन टॉप चलेगा। अगर मेरे को नीचे चलानी है वापस तो F5 दबाऊंगा, आइसोप्लैन राइट चलेगा, इधर चलानी है तो आइसोप्लैन लेफ्ट चलेगा, ठीक है ये F5 से चेंज होता है डायरेक्शन। है ये वैसे 2D लाइन बट दिख रही है 3D टाइप हमको, ठीक है 2D लाइन ही है वैसे, 2D वाला ऑब्जेक्ट ही है। तो यही चीज करनी है, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, वो तो नॉर्मली चलता है, वो वाला चलता है, तो इसमें शायद लाइन से काम होगा सारा का सारा, क्लियर लाइन से या लाइन से। जैसे मेरे को हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन इधर ले लिया मैंने मान लो 5, ऊपर ले लेता हूँ 5, और मेरे को ऊपर चलाना है F5 दबाऊंगा वापस, मैं इधर 5 ले लेता हूँ, इधर भी 5 ले लेता हूँ, नीचे चलाना है तो वापस वही सेम प्रोसेस, मैं इधर ले लो 5 आप एक बार, नीचे भी 5, ये क्यूब टाइप बन गया। अगर आपको ये लाइनें भी दिखानी पड़ेगी तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी, कुछ इस टाइप से बनेगा, बट ये पीछे लाइनें दिखेगी नहीं, तो इनको नहीं दिखेगी, क्यों बनानी, तो डिलीट कर दो, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करनी है। अब मेरे को यहाँ पर सर्कल चाहिए, तो सर्कल चाहिए ना, तो इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, एल कमांड लगाई इलिप्स, इलिप्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आइसो सर्किल, दिख रहा है। अब मेरे को इसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, MTP मिड टाइप पॉइंट, एंटर कर दोगे फर्स्ट पॉइंट दे दोगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट दे दोगे यहाँ पर, ऑटोमेटिक ये सर्कल बनेगा, ठीक है। फिर आपको रेडियस डालनी है, मैंने डाल दी 2.5, तो इससे बराबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सीओ से, सेंटर पॉइंट ये रहेगा, अंदर डालना F5 दबा देनी है, सॉरी F5 नहीं ओनली 5 दबा देनी, नॉर्मली कॉपी हो रहा है तो। फाइव डिस्टेंस डिस्टेंस ले रहा है, ठीक
यहाँ पर भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन वगैरह है नहीं ना, तो यहाँ पर भी बन जाएगा। वैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको हटा सकता हूँ, ट्रिम तो हो ही जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी सेम चीज चाहिए तो फिलेट भी दे सकते हैं, फिलेट रेडियस रेडियस दे देंगे 5, कुछ इस तरीके से। इधर से भी क्लीन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इस सर्कल का मेरे को ऑफसेट यूज करना है, ऑफसेट कर दूंगा 2 का, तो 2 का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 0.25, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट जो है ना अंदर चलेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। अब इसकी मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी, F5 से डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अंदर मैंने डाल दिया मान लो इसको, 1 एंटर। ये डेप्थ में दिखेगा नहीं, TR से ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब ये भी हटा सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो, ये इस तरीके से दिख जाएगा, क्लियर। और इसमें आप कलर फील कर दो, एच एंटर, हैच कमांड लगाओ, यहाँ पर जाओ सेलेक्ट कलर, यहाँ से कलर जो सही लगे वो ओके कर दो, एड बिग पॉइंट पे जाओ, क्लिक करो, और कुछ नहीं करना। क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दे लूंगा मैं सॉलिड, ओके, दैट मीन प्रीव्यू और ओके, कोई भी कलर यूज करके हम इसको बना सकते। फिर आपको इसमें कैमरा क्रिएट करना है, तो लाइन कमांड लगाएंगे, इधर से इधर में लेता हूँ 100, 100 करेंगे। अब वो दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड एंटर ए एंटर करोगे तो जूम ऑल स्क्रीन हो जाएगा। ऊपर लेता हूँ मैं, डायमेंशन लेता हूँ 60 डिग्री, मतलब 60 का डिस्टेंस लेता हूँ, 60 डिग्री नहीं ले रहा है ना, इधर वापस 100 ले लेंगे, नीचे वापस सेम प्रोसेस में वही 60, F5 दबा देंगे हम, इधर चलना मेरे को 30 डिग्री, 30 कर दो या 20 भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा है नहीं, इधर वापस 100 कर देते हैं, इसको यहां मिला लो, यहीं से ऊपर लेना है ना, F5 दबाएंगे वापस, ऊपर ले लिया मैंने मान लो 60, और पीछे वाली लाइन वैसे दिखेगी नहीं तो फालतू हटा दो भाई, पहले हटा दो, बार बार दिखेगी थे नहीं, दिखती तो ले लेते। अब यहाँ पर लेता हूँ EL इलिप्स, मिड पॉइंट लेने के लिए MTP, फर्स्ट सेकेंड, तो इलिप्स में ऐसा सर्कल लेना था हमको, सेंटर पॉइंट के लिए MTP लगा दो, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, रेडियस ज्यादा नहीं करता हूं मैं, कर देता हूँ रेडियस की 25। अब इसी की कॉपी कर लो CO से, F5 दबाओगे तो बाहर आएगा, इसको निकालना बाहर हमको, कम से कम निकाल देते हैं 12। अब आपको L एंटर करना, ओनली ऑन लाइन पॉइंट लगाना, एक पॉइंट मेरे को यहां से दिखाना यहां तक, फिक्स हो गया ना, सही से दिखाना, एक पॉइंट तो ये दिख जाएगा, बाकी वाला वैसे अंदर वाला दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट हमको, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये लाइन भी नहीं दिखेगी, ये वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा इसको, ठीक है।
कोई पल्ले पड़ रहा है कैसे बोल रहा हूँ कभी। अच्छा ये क्या अरे पर चलो ये ध्यान रख लीजिए इधर लेना, ये 100 का डिस्टेंस है ठीक है, तो मेरे को यहाँ से 30 लेना है, 30 लूंगा। अब 30 यहाँ से मेरे को एक सर्कल यूज करना है, तो सर्कल वो वाला यूज करेंगे, इलिप्स वाला, EL कमांड लगा देनी है इसमें। आईसो सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट लूंगा, रेडियस जो दूंगा मैं वो दूंगा 5 5 दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मैं देता हूँ यहाँ पर 7 रेडियस, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, इसी की कॉपी करता हूँ CO से, ऊपर लेनी है ना F5 दबाएंगे ऊपर, इसको डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 5 लेता हूँ हाइट, बट वो उधर जा रहा है, तो सही सीधे चलाना ऊपर है ना। इस लाइन को डिलीट कर दो, ये मेरे को नहीं चाहिए अब। क्या अरे रुको भाई साहब मैं कब हूँ, ट्रिम ट्रिम ठीक है, इधर से आपको L एंटर करना है, यहां से 5 का डिस्टेंस आपको छोड़ ही लेना है, उसके बाद आपको 25 लेना है ना, 5 छोड़ दूंगा, 20 ले लेता हूँ एक बार, L एंटर करूंगा, यहां से इधर ले लूंगा F8 ऑन ऑन ही है ना, इधर लेना 7.5 ले लो या 7 ले लो, इसी को मिरर कर दो। नहीं तो फिर इसको बनानी पड़ेगी सेम लाइन दूसरे से, अब नहीं जाएंगे, इधर ले लेता 74, इधर ले लूंगा 74 मतलब सॉरी 40, सॉरी 74 नाम आ गया ना, लाइन डिलीट कर देते हैं, इसको J एंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, यहां से सेम वो का वो प्रोसेस कर, L एंटर कर देते हैं लाइन, ये भी ले लो और ये वाला पॉइंट अंदर वाले को ट्रिम कर दो, अब इसके सेंटर से है ना, यहां से इधर मेरे को F5 ऑन ही है वैसे, 30 डिग्री का लेना है, तो 15 डिग्री उधर दे दो, अंदर तो यहाँ पूरा लेके आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, यहां से इधर भी बंदा चलना है, बाकी ये ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, हाइट रखनी है वो रखनी है 5, F5 दबा देते हैं ऊपर लेते हैं 5 डिस्टेंस डाला, ये ओवरऑल तो ज्यादा है तो 25 लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे तिरछा रखा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार जरूर पड़े नहीं बनाने के लिए, L एंटर करो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, बाकी वाले को हटा दो, ओके। हाँ ये इस टाइप का कैमरा दिलीप जी की शादी में आया था, जो वाला है तो सर हमारे शेल पे ले रहा सेल्फी, हाँ ले लेंगे ठीक है, इसका मेजरमेंट भेज रहा हूँ, मेजरमेंट भी भेज रहा हूँ, प्लस इसकी फाइल भी भेज रहा हूँ, वो है।